हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट डे हम लोग का कल का था और हम लोग रिजल्ट टाइम पे नहीं ला पाए। उसका रीज़न भी आप लोग को पता है, मैं ऑन स्क्रीन आके आप लोग को बोल भी दिया था कि एक छोटे से वीडियो में कि मैं एक मेडिकल इमरजेंसी पे हूँ। आजकल पेंसिल नहीं मेरे पास, देख रहा हूँ थर्मामीटर ज़्यादा मेरे पास रह रहा है। आज हेल्प करने के लिए मैंने लिया है एक स्पेशल गेस्ट को और वो है आव्या। आव्या मेरी हेल्प करेगी जो कि बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और इसको 2 दिन हो चुके हैं मम्मा से मिले हुए। और मैं जाता हूँ, मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं आया तो मैंने सोचा कि इन लोगों से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, वहाँ पे टेक केयर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए आके मैं शूट भी कर लूँगा और इन लोगों से मिल भी लूँगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट जो है ना, वैसे मैंने आप लोगों का देखा है और जो पब्लिक वोट भी मैंने यहाँ पे रखा है ना, तो अभी पब्लिक वोट के हिसाब से आप लोग जो विनर कह रहे हो सकता है कि सिमिलर हो मेरे भी रिज़ल्ट, लेकिन मैंने ना यहाँ पे रिज़ल्ट कैसे देखा है, डिटेल्स देखे हैं और कितना परसेंट आप मैच करते हो। और मैच करने के साथ साथ ना कुछ चीज़ें मुझे दिखी हैं कि इसमें इफ़ेक्ट मोबाइल से भी दिया गया है, वो विनर हो या फिर वो रनर अप हो या फिर जितने भी 100 बेस्ट टॉप 10 में हो या फिर 3 में हो या फिर 50 में हो, 25 में हो, तो कहीं ना कहीं से मुझे दिखाया। और इनफैक्ट मुझे जो टॉप 3 में भी हैं वो भी कंफर्म करने के लिए मैं उनके प्रोफाइल में गया। प्रोफाइल में जाने के बाद कई सारी चीज़ें मिली और उसके बेस पे भी, ये भी एक रीज़न है जहाँ पे मैंने विनर को चूज़ किया। और आपके जो वोटिंग के हिसाब से जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी बात कर लेते हैं टॉप 3 का। और ग्रुप नाम है बिलो 13 में आप लोगों के जो रुझान आ रहे हैं, ऐसा कैसा होता है ना, जैसे कि लग रहा है कि इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे और आप लोग कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों के हिसाब से जो बात हो रही है ना, तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने चूज़ किया है आनंद हल्दिया को, मेरा स्क्रीन सामने है तो आप लोग शायद देख रहे होंगे। तो जितने इनको परसेंटेज मिले हैं और इसके साथ साथ जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं कि वोट जो मिले हैं अबव 13 में, तो यहाँ पे मैंने अभिषेक विश्वकर्मा को मिले। और यहाँ पे ये तो आप लोगों की वोटिंग है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग हमेशा ही सही रहो। तो यहाँ पे मैं अपने रुझान पे भी जाऊँगा मैं, तो मेरे हिसाब से जो अबव में जा रहा है ना, तो जैसे मैंने आपको पैरामीटर बताया ना कि एक रियलिस्टिक होना चाहिए, दूसरा कि एक सिमिलर होना चाहिए, और तीसरा जो है ना मैंने पड़ताल किया बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस के डिटेल में जाके, और अभिषेक को भी देखा और अंकुश को भी देखा, और मैंने 3 में से 2 को सेलेक्ट किया जो फाइनलिस्ट थे, एक अभिषेक है और एक अंकुश। तो अंकुश जो कि वो भी फाइनलिस्ट थे लास्ट जब कॉम्पिटिशन हुआ था, तो उनके बहुत ज़्यादा एंट्रीज मैंने नहीं देखे इंस्टाग्राम पे, और अभिषेक के मैंने देखे, उनका वर्क भी देखा, वर्क बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी उनके प्रोफाइल में जाके देख सकते हो। और मैं बताऊंगा आव्या को, आव्या आप लोगों को बताएगी, तो मैं ऐसे इतनी आसानी से तो नहीं बताने वाला, टाइम भी कम है मेरे पास और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तुम्हारे डैडू का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो विनर है वो है अभिषेक विश्वकर्मा, इनका वर्क भी अच्छा है, मैंने इनके इंस्टाग्राम पे वर्क भी देखे हैं, कई तरीके के वर्क करते हैं। और थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए और आप लोगों का भी हेल्प करने के लिए, आप लोगों ने भी चूज़ किया है अभिषेक को ही, और थैंक यू सो मच अभिषेक, और आपका वर्क बहुत अच्छा है और आपके जितने भी वर्क किए हैं वो भी अच्छे हैं। और इसके साथ साथ अभी तो बात हो गई अबव 13 की, बिलो 13 में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वर्क के हिसाब से, देखो मैच तो तीनों के नहीं हो रहे हैं, ये तो मैं भले हार्ड वर्ड्स हो लेकिन मैं बोलूँगा, लेकिन आपने एज के हिसाब से ना बिलो 13 में बहुत अच्छा किया है। और मैंने आपको बताया ना 8 साल के 9 साल के बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पे एक 11 साल का है, एक 12 साल का, और तीसरा भी 12 साल का है, तो ये 3 पार्टिसिपेशन जो है वो फाइनलिस्ट हैं 3 में हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जिन्होंने बाजी मारी है, अब मैच तो तीनों का ही नहीं हो रहा है, अब मैं दृष्टिकोण देखूँगा मैं, वो है पर्सपेक्टिव जो है वो है आपका डिटेल। डिटेल के हिसाब से मुझे जो विनर लगता है और आप लोगों को भी जो लगता है वो बिल्कुल सही है, और हमारा जो विनर है वो है आनंद। तो यहाँ पे जो है आनंद हल्दिया,
जो कि है 12 इयर्स के। तो थैंक यू सो मच दोनों विनर्स को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हो। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। और जहाँ तक बात है कि अगले कॉम्पिटिशन के लिए, तो अगला कॉम्पिटिशन मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। इस पोजीशन में नहीं हूँ मैं कि अभी आप लोग को मैं अभी अनाउंस करूँ, रूल्स वगैरह बताऊँ, तो एक और वीडियो आएगा प्रोबेबली। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है, सब चीज़ें अच्छी हो जाए, जो भी मेडिकेशन है वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए, दिव्या भी डिस्चार्ज होकर आ जाए, तो एक व्लॉग मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, ज़रूर देखिएगा वो। और ये हमारे व्लॉग की जो स्टार हैं तो इनके व्लॉग ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये और आयरा जो कि अभी सो रही है, तो थोड़ी देर में मैं अभी निकलने वाला हूँ। तो अभी रिजल्ट आउट हो चुका है, तो रिजल्ट यानी कि दिव्या का कॉल भी आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। Bye, take care.